हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमारे ब्लाउज के शोल्डर क्यों गिरते हैं और इसे ठीक कैसे करें। अभी शोल्डर कैसे गिरते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है इसमें से। ये शोल्डर जो है गिरने पर ये ख़राब दिखता है। तो यहाँ पे जो ब्लाउज़ है, हम इतना ब्लाउज़ सिलते हैं, एकदम परफेक्ट सिलते हैं, लेकिन जब हमारे शोल्डर इस तरह से गिरते हैं तो बार बार इसे हमें इस तरह से करना पड़ता है, तो ये बहुत ही ख़राब दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें शोल्डर क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं और इसका जैसे उसको ठीक कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। पूरा वीडियो देखें आप, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये तैयार ब्लाउज है, जैसे सिला हुआ ब्लाउज लेते हैं हम, सिलने के बाद ये हमारे शोल्डर जो है ये गिर जाते हैं। तो ये क्यों गिरते हैं, एक तो आपका जो डीप नेक होता है, जो बैक साइड का जो गला होता है, तो ये डीप होता है। डीप होने के कारण जैसे शोल्डर जो है, डीप गला होगा तो शोल्डर आपको कम लेना पड़ता है, तो आपका शोल्डर का कम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए भी शोल्डर गिरते हैं। दूसरा, ये जो ब्लाउज है यहाँ पे हमारा कमर में या चेस्ट में ढीला रहता है, तो इसकी वजह से भी ये से जैसे नीचे के साइड में, नहीं तो एक साइड फिटिंग में आती है और एक साइड इस तरह से गिरती है, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आई होगी, तो इसकी वजह से भी आपका ये शोल्डर जो है एक साइड से या दोनों साइड का गिरता है। तीसरी बात यह है, जैसे ये हमारी ब्लाउज की फिटिंग है, यानी कि स्लीव्स की फिटिंग है, तो स्लीव्स की जो फिटिंग होती है, यहाँ पे हमारे स्लीव्स की जो फिटिंग है, इसे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपकी स्लीव्स की फिटिंग टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो टाइट होने पर क्या हो जाता है, इस तरह से ये खींचता है, नीचे के साइड में ये खींचता है, तो इसीलिए हमें ये जो फिटिंग है, ये फिटिंग भी आपको पहले देखनी है, पहले आपकी स्लीव्स की जो फिटिंग है वो चेक करनी है। तो फिट स्लीव्स की फिटिंग आपकी थोड़ी सी हल्की सी क्वार्टर इंच ढीला रखना है, ताकि ये जो शोल्डर जो है इस तरह से खींचते नहीं है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे आपको फिटिंग चेक करनी है कि आपकी फिटिंग परफेक्ट है कि नहीं। ढीला होगा तो आपको पहले फिटिंग अच्छे से करनी है, फिटिंग में आपको ब्लाउज लेना है। उसके बाद जैसे डीप गला होता है तो आपको शोल्डर भी चेक करना है, शोल्डर आपको कम लेना है, डीप गला लेना होगा आपको, तो नॉर्मल गला होगा तो आप जितना शोल्डर है उतना ले सकते हैं, लेकिन डीप गला होगा तो आपको शोल्डर जो है वो आपको थोड़ा कम लेना है। उसके बाद अभी इसको ठीक कैसे करें, जैसे ये हुई हमारी शोल्डर की, इस कारण हमारे शोल्डर गिरते हैं, फिटिंग यहाँ पे फिटिंग जो है वो टाइट, स्लीव्स फिटिंग टाइट होने पर भी गिरता है, या ब्लाउज ढीला कमर में या चेस्ट में थोड़ा ढीला होता है तो भी शोल्डर जो है वो अपने गिरते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जब हमारे शोल्डर गिरते हैं तो उसको ठीक कैसे करें, तो पहले तो आपको शोल्डर नापना है, तो डीप गला होगा तो शोल्डर आपको कम लेना है, डीप गला होगा तो शोल्डर आपको कम लेना है। दूसरी बात, आपको फिटिंग अच्छे से करनी है, फिटिंग आपकी स्लीव्स की और कमर की फिटिंग जो है वो अच्छे से देखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर के साइड में टच बटन होता है, टच बटन जो लगाते हैं ब्लाउज के लिए, तो टच बटन लगाना है, जैसे डीप गले के लिए टच बटन लगाना ही लगाना है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, शोल्डर नीचे के साइड में ऐसे नहीं होती, ये जो है गले की फिटिंग अच्छे से बैठती है। उसके बाद हाँ, हमारा शोल्डर गिरता है तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये कटोरी जॉइंट हुई है, यहाँ पे हमारी जो कटोरी जॉइंट हुई है, यहाँ हल्के से अंदर के साइड में क्वार्टर इंच आपको दबाना है, यहाँ पे आपको हल्का सा इसे यहाँ पे अंदर के साइड में सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे भी फिनिशिंग के साथ करना है, ताकि इसमें ये जो फिनिशिंग के साथ करोगे तो यहाँ पे भी हल्का सा ये जो शोल्डर है नीचे के साइड में दब जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये देखिए हुक और आई की पट्टी रहती है, तो इसे क्या करना है, इस तरह से हल्की सी प्लेट डालनी है, यहाँ पे हमें हल्की सी प्लेट डालनी है, वो भी आपको फिनिशिंग के साथ ही करनी है, यहाँ पे आपको फिनिशिंग के साथ ही करनी है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको इस तरह से एक प्लेट डालनी है, ताकि ये जो शोल्डर है हमारा, यहाँ पे आपको एक सिलाई लगानी है, ये शोल्डर जो है तो आपका ये दब जाता है, तो इस साइड में भी और इस साइड में भी हल्की सी आपको प्लेट डालनी है, और यहाँ पे आपको
एक अंदर के साइड में 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। आपके शोल्डर ज़्यादा गिरते या कम गिरता होगा तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा शोल्डर गिरता होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी प्लेट डाल के यहाँ पे अंदर के साइड में दबा के आप ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ये जो सिलाई है हमारी, ये सिलाई में भी आपको हल्की सी आधा इंच की तिरछी सिलाई आप लगा सकते हैं। तो इसमें इतना आधा या आधा इंच का होगा तो आपका ये शोल्डर थोड़ा थोड़ा हम सिलाई लगाते हैं तो उसमें दब जाता है, लेकिन ज़्यादा शोल्डर गिरता होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, शोल्डर जो है ये बहुत ही 1-1 इंच का होता है तो शोल्डर गिर जाता है, वो ठीक से ब्लाउज नहीं बैठता। तो आपको क्या करना है उसका, अभी यहाँ पे है ये देखिए, यहाँ हमें ज़्यादा शोल्डर गिरता होगा तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्लीव्स को खोलना है। जैसे पूरा ब्लाउज सिलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कम ये हो जाता, कम शोल्डर गिरता है तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा शोल्डर गिरता होगा तो आपको फिर से वापस आपको ये स्लीव्स को खोलना है। स्लीव्स को खोलने के बाद यहाँ पे आपको ये पाइपिंग जो है, पाइपिंग भी खोलनी है। और यहाँ पे आपको इस तरह से ये शोल्डर जो है, जितना आपका शोल्डर गिरता होगा उतना आपको कम करना है। यहाँ से फिर से वापस आपका यहाँ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप शोल्डर का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कम होगा तो आपका यहाँ पे हम जब सिलने के बाद यहाँ पे भी आप थोड़ा सा हल्के से सिलाई लगाओगे, या यहाँ पे हम जो कटोरी जॉइंट करते हैं यहाँ पे भी दब जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे भी 1/4 इंच यानी कि वो भी सिलाई में चला जाता है। हल्की सी अंदर के साइड में प्लेट डालेंगे तो इसमें भी ये चला जाता है। नहीं तो यहाँ पे आपको ये जो है, जो हम पट्टी लगाते हैं इसको हल्के से खोल के यहाँ पे आपको इस तरह से अंदर के साइड में, जैसे यहाँ पे आपको तिरछा कट दे के फिर से वापिस आपको ये जो पट्टी है ऊपर के साइड में वो लगानी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा कम होगा तो आपका एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये पूरा करने के बाद भी आपका शोल्डर उतरता है तो आपको क्या करना है, स्लीव्स को, पूरी स्लीव्स खोलनी है। उसके बाद ये शोल्डर जो है आपको नापना है, यहाँ से गला आपको पहले फ्रंट साइड का गला जो है वो नापना है कितना है, फिर आपको गला नाप के जितना आपका शोल्डर गिरता है उतना आपको इस तरह से लेके यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद उसके बाद आपको फिर से इस साइड में आपको पाइपिंग लगानी है और इस साइड में आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि शोल्डर क्यों गिरते हैं और गिरने के बाद उसको ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे आपको पहले फिटिंग चेक करनी है। फिटिंग चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स है, तो पहले स्लीव्स की फिटिंग चेक करनी है, फिर हमारी ये कमर और चेस्ट की फिटिंग चेक करनी है। नहीं तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स की फिटिंग होती है ये टाइट होने के कारण भी शोल्डर हमारे इस तरह से गिरते हैं। और यहाँ पे आपको टीच बटन जो है वो लगाना है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको शोल्डर गिरते क्यों हैं और उसको ठीक कैसे करें ये दोनों भी मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।